स्वागत है आप सबका। आज हम आजकल की शादियाँ कैसी होती है वो देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। Hi, I'm Kalpana and I want to make it clear itself now. ए अरे बाप रे, ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। Hello, myself Pandurang. I want a girl. She love me or my mother. She should be able to do cook like my mother. She should be veg only. Eggs allow on Sunday. She should be beautiful. सेम फ्रेंक स्किन कलर। लड़कियां कृपया करके इस पांडुरंग से दूर रहे, मतलब शक्ल देखो इसकी, हवस टपक रहा है एकदम। इसको अगर लड़की मिल गया ना, ये उसकी हड्डियां तक को नहीं छोड़ेगा। और वैसे भी जो वेजिटेरियन बंदा संडे को अंडा खा तो उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। संडे सुबह को अंडा खिलाएगा और रात को आपका गंडा मार देगा, बाकी आपकी मर्जी। मुझे सावधान करना था, मैंने कर दिया। हेलो, आई एम मिस रोजलिन वेगास एंड आई एम लुकिंग फॉर अ गाय हु हैज नेवर बीन टू वेगास because I want to go with him for my honeymoon. He should like to eat all kind of animals, especially pork. He should be ready to attend mass on Sunday with me, but never take me to mass in auto rickshaw. He should never wear perfume, only talcum powder. He should be willing to express love only in missionary position. यही तो सुनना बाकी था ना। मतलब सोचिए, इसका पति सुबह से मियां खलीफा को देख रहा है और रात को इसको अपने पत्नी के साथ कुत्तागिरी करने का मन हो रहा है वो देख के, लेकिन ये नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसने शादी थोड़ी की, इसने तो जॉब एप्लीकेशन लेटर दिया ना जिसमें सिलेक्ट हो चुका है। जो इसकी बॉस, मेरा मतलब इसका पत्नी चाहेगी, वही होने वाला है, क्योंकि ये सच में कुत्ता है घर में। जो कुत्तागिरी नहीं कर सकता है, ओनली मिशनरी। हाय, मायसेल्फ कार्तिक, यू कैन कॉल मी के। I'm an innocent divorcee. चुप साले innocent divorcee, अपनी पत्नी को बहन बोलने के वजह से अपने सास से 3 बार मार खा चुका ही है। और इसके ससुर ने भी इसको 2 बार मारा था, लेकिन बाद में ये खबर आता है कि इसका ससुर तो गे निकला। तो बाकी तो आप समझदारी है कि उसके ससुर ने इसको कहा क्या, कैसे मारा होगा। Hello, my name is Asha, but the boy should not have any Asha from me, as I'm not a typical Indian girl. The boy should have love me and always book all vacations with MTDC. इस औरत को MTDC से 2.5% का कमीशन मिलता है। साला आजकल शादी में भी बिजनेस चालू है, क्या बात है? His mother tongue should be my mother tongue, as it is easier for communication purpose. If he wants child, it should be not from me. औरत का पता निकालो जल्दी से जल्दी, इस औरत का पता निकालो। ये तो खुला खुला बोल रही है तू शादी मुझसे कर सकता है, बच्चे किसी और से पैदा कर सकता है। इससे अच्छी बीवी आपको दुनिया में 2 नहीं मिलेगी। और इसका कंडीशन क्या था कि वो एमटीडीसी से बुक करना है ना, आज से मैं सब कुछ एमटीडीसी से बुक करूंगा, गैस सिलेंडर सब कुछ, आई लव एमटीडीसी, तू बस शादी कर ले मुझसे। हेलो, मायसेल्फ सारिका फ्रॉम झारखंड। आई कैन टॉक फ्लुएंट इंग्लिश एंड कैन राइट टू, आई एम ग्रेजुएट। अब ये औरत अपने लिए लड़का ढूंढने आई है क्या, अपना स्पोकन इंग्लिश क्लास खोलने आई है? मतलब क्या ये, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन राइट इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन शिट इंग्लिश। अरे बहन, तेरा पति अगर गांव का निकला ना, हाथ में कुल्हाड़ी दे देगा, अभी बोलेगा खेती कर इंग्लिश में। पता नहीं बाबा क्या चुतियागिरी चालू इस दुनिया में। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। माय फ्रेंड्स एंड फैमिली से दैट आई एम क्वाइट ब्यूटीफुल एंड इवन माय गुरुजी सेज मी दैट। कहीं तेरे गुरुजी का नाम राम रहीम तो नहीं, क्योंकि उसके लिए तो सारी लड़कियां ब्यूटीफुल है। आई हैव सम ब्यूटी स्पॉट्स ऑन माय बॉडी and willing to show everything to a man who steals my heart. समझ गया मुझे, इस औरत का गुरु राम रहीम ही था। खैर छोड़ो आगे बढ़ते हैं। Hello and namaste. I am mother of a versatile boy and are looking for a versatile girl for marriage purpose. She should be versatile in kitchen and should be able to make Thai. She can do part-time work from home, but if she want to go to office, she should be home before her husband to give him warm welcome. इस बंदे की जो शक्ल है ना, इसको warm welcome नहीं, इसको गरम तवा फेंक के मारना चाहिए। और इतना हिल क्यों रहा है साला, कुपोषित है क्या? और इतना शर्म है तो शादी करने की जरूरत क्या? मतलब आप सोचिए कि ये बंदा अपने सुहागरात वाले रूम में जाएगा, उधर अपनी बीवी को धीरे धीरे कपड़े उतारते हुए देखेगा, वो देख के एकदम शर्मा के अपने शरीर को हिलते ढुलते शक्ल को नीचे करके बोलेगा, मुझे तो शर्म आ रहा है, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। ये सुन के इसकी बीवी 2 शब्द बोलेगी, मादर चोद। अगर ये समझा तो ठीक, नहीं समझा तो हिला के सो जाएगा अपने सुहागरात के दिन, साला चूतिया। तो बस वीडियो को आज हम ये पे खत्म करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, हम अपना लेके फेसबुक पे आ चुके हैं, ओ कमेंटेटर सर्च कीजिए, हम मिल जाएंगे। और यूट्यूब में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो थैंक यू, बाय।